जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान फ़ाक उस्मानी। तो PSL मैच जो था वो ख़त्म हो गए हैं सारे तकरीबन। कल फाइनल मैच था, लाहौर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान फाइनल मैच था। मैच अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। बहुत कम ऐसे मैच होते हैं जो देखने वाले होते हैं, ऐसे मतलब कि मुकाबला जो 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 था मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो सपोर्ट मैं लाहौर को कर रहा था। अगर देखा जाए तो लाहौर की बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग है, ठीक है, लेकिन स्कोर मतलब उनका 14-15 ओवर में स्कोर इतना अच्छा नहीं था। फिर जब शहीन शाह अफरीदी आए और उन्होंने आकर इतनी अच्छी बैटिंग की कि स्कोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, 200 का टारगेट हो गया था। शहीन शाह आकर बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, और उन्होंने पिछले चंद मैचों में बैटिंग भी बहुत अच्छी बैटिंग की। 200 का टारगेट उन्होंने दे दिया। अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग है, ठीक है। उनकी तरफ मोहम्मद रिजवान, रूसो और बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो ये 200 का टारगेट चेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चेज नहीं किया। मेन चीज़ है उनके नसीबों में ये मैच नहीं था। तो लाहौर वाले वो टीम है जो दो बार फाइनल मैच जीत चुके हैं PSL का, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक लाहौरियों को कि वो ये मैच जीतना डिज़र्व करते थे। और मुल्तान सुल्तान ने भी आखिर मेहनत बहुत की। जब देखा जाए तो जब बॉलिंग कर रहा था हर सिर्फ 19वां ओवर था, तो 19वें ओवर में उसने बहुत मार खाई, ठीक है। तो मैं ये समझा कि मैच जो है वो लाहौर के हाथ से निकल चुका है, लेकिन जैसे ज़मान खान ने आकर बॉलिंग की, यकीन माने दिल खुश कर दिया। इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी ज़मान खान की बॉलिंग बहुत अच्छी है यार। कल उसने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा बॉलर बन सकता है जैसे उसने बॉलिंग की। ज़मान खान के साथ शेन अफरीदी ने भी बॉलिंग की, राशिद खान थे, हारिस रऊफ था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 200 स्कोर जो है वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है, 200 बल्कि 250 भी स्कोर जो है वो T20 में चेज हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्तान सुल्तान वाले 200 का टारगेट चेज नहीं कर सके। तो सबसे पहले लाहौर वालों को मुबारकबाद। टीमें सब अपनी टीमें हैं, जारी बात है पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो सब टीमें पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब अगर साल बाद ये मैच होते हैं PSL के, तो ऐसे इससे जो है वो अवाम का, आने वाली नस्लों का, बच्चों का जो है वो जोश बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये गेम ही ऐसी गेम है, ठीक है। और नजम सेठ साहब ने एक खुशखबरी दी कि वो अगले PSL में मज़ीद दो टीमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये खुशखबरी है कि वो मज़ीद दो टीमें ऐड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो दो टीमें कौन कौन से शहर की टीमें होती हैं, मैच देखें भी और मैच खेलें भी, ठीक है। तो आपको बहुत मुबारक लाहौर वालों को, ठीक है, वो मैच जीते। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही खुश रहा करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।